इंटरप्राइज डीलर एसोसिएशन आरा जिला के तत्वधान में नागरिक प्रचारणी सभागार में आरा जिला के जन प्रतिनिधि प्रणाली विक्रेताओं का बैठक हुआ, जिसके अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नंद कुमार ओझा एवं संचालक जिला संगठन मंत्री इनामुल हक के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सचिदानंद उपाध्याय, प्रदेश सहमंत्री कृष्णा चौबे, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री ने कहा कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन राज्य संगठन की ओर से 8 सूत्री मांग को लेकर 2017 से सरकार के समक्ष आंदोलन करते आ रहा है, परंतु सरकार के तानाशाही रवैये से विक्रेता बंधु मजदूर की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसकी ओर सरकार ने विक्रेताओं से POS मशीन से लाभुकों को अनाज वितरण करने का आदेश दिया है, लेकिन POS मशीन में अनेकों तरह के खामियां हैं, जिसके वितरण करना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहूंगा श्री गोपीनाथ सिंह पाल से कि वो बक्सर के श्री कृष्ण कुमार चौबे जी को शान से सम्मानित करें। और मैं चाहूंगा बड़ाहरा के श्री हमारे मंच पर विराजमान है, उनको सम्मानित करेंगे। आरा सदर आप डीलर एसोसिएशन का आज सम्मेलन किया गया, कौन कौन मुख्य अतिथि हैं और क्या इस पर आज चर्चा की जाएगी? आज का कहला जो डीलर भोजपुर डीलर संघ के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के कहला जो अधिवेशन हुआ, जिसमें का कहला जो पटना के ये पदाधिकारी मंत्री महामंत्री वरुण सिंह को बुलाया गया, कहा लगे वहाँ माने हड़ताल के लिए 9 सूत्री हड़ताल है। इसमें पॉक्स मशीन है कि कहा लगे कम वजन है, समय से कहा लगे पॉक्स मशीन में कहा लगे इंक नहीं आता है, जिससे उपभोक्ता कहा लगे डीलरों पर कहला उत्तेजित होते हैं और नहीं देने पर मारपीट करने के लिए संभावना है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हर प्रखंड में अपन कहला जे इंजीनियरिंग टेक्निकल दे, जो कि उपभोक्ता और डीलर के बीच में कोई समस्या ना आवे। मैं कहला पॉक्स मशीन को हार्दिक स्वागत करता हूं, लेकिन उसके लिए प्रशासन द्वारा निर्धार उपाय होना चाहिए, जिससे विक्रेता ना सफर करे और कहला ना डीलर सफर करे। मेरा नाम मुक्तिनाथ सिंह, जिला महामंत्री भोजपुर, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन।